रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मालूमात ही मालूमात के साथ मैं हूँ शीरीन ज़हरा और मैं हूँ सैयद निसम। 21 रमज़ान का सूरज तुलू हुआ तो ज़मीन व आसमान ने देखा कि एक बेहतरीन पेशवा, आदिल इमाम, कामिल तरीन इंसान, खुदा का वली, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानशीन को ज़मीन पर सबसे शकी तरीन इंसान ने कत्ल कर डाला और अपने रब से जा मिले और इलाही पैगम्बरों और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम नशीन हुए और उम्मत को अपने वजूद और बाबरकत से महरूम कर दिया। अली इब्न अबी तालिब अब्द मनाफ बिन हाशिम कुरैश से थे। आपके वालिद हज़रत अबू तालिब एक सखी और आदिल परवर इंसान और अरब के दरमियान इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत थे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा व हामी और कुरैश के बुजुर्ग शख्सियात में से थे। आपकी वालदा फातिमा बिनते असद बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ थी। अमीर अल मोमिनीन के मायने मोमिनीन के अमीर, हाकिम और रहबर के हैं और ये लकब हजरत अली के साथ मुकद्दस है और ये लकब पहली बार पैगंबर इस्लाम के ज़माने में हजरत अली के लिए इस्तेमाल किया गया और सिर्फ आपके साथ मखसूस है, इसलिए इसका इस्तेमाल हत्ता इमाम अली के अलावा दूसरे आइमा के लिए भी नहीं है। मुबाहला के वाक़े में मौला अली नफ्स रसूल करार पाए और अल्लाह के नबी ने इन्हें मौलाए कायनात और अपना वसी कहा। इल्मी एजाज ये था कि मस्जिद में सबके दरवाजे बंद कर दिए गए, अली का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब महाजरीन और अंसार में भाईचारा किया गया तो अली को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुनिया और आखरत में भाई करार दिया और सबसे आखिर में गदीर खुम के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमे में मौला अली को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया, जिस तरह का मैं सरपरस्त और हाकिम हूँ इसी तरह के अली सबके सरपरस्त और हाकिम हैं। जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उन मौला हो। ये इतना बड़ा एजाज है कि तमाम मुसलमानों ने हजरत अली को मुबारकबाद दी और सब ने समझ लिया कि पैगम्बर ने हज़रत अली की वली अहदी और जानशीन का ऐलान कर दिया है, जिसने ज़िंदगी भर पैगंबर का साथ दिया बाद रसूल आपकी लाश को किस तरह छोड़ता। चुनाचा रसूल की तहजीज़ व तकफीन और गुस्ल व कफन तमाम काम हज़रत अली ही के हाथों हुआ और कब्र में भी रसूल खुदा को आपने ही उतारा और दफन किया। और ये मालूम हुआ है कि इतनी देर में पैगंबर की जानशीनी का भी इंतज़ाम हो गया है। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो जंग आजमाई पर तैयार हो जाता, मगर मौला अली को इस्लामी मफाद इतना अजीज था कि आपने अपने हुकूक के ऐलान के बावजूद अपनी तरफ से मुसलमानों में खाना जंगी पैदा नहीं होने दी। सिर्फ ये नहीं, आपने मारका राई नहीं चाही बल्कि जिस वक्त ज़रूरत पड़ी उस वक्त इस्लामी मफाद की खातिर आपने इमदाद देने से दरेग भी नहीं किया। मुश्किल मसाइल में फैसला और ज़रूरी मशवरे लिए जाने पर अपनी मुफीद राय का इजहार किया। अली इस्लाम की रूहानी और इल्मी खिदमत में मसरूफ़ रहे। कुरान को तरतीब व नुज़ूल के मुताबिक नासिख व मनसूख और महकूम और मुताशाबे की तशरीह के साथ मुरतब किया। मुसलमानों के इल्मी तबके में तसनीफ़ और तालीख का और इल्मी तहकीक का ज़ौक़ पैदा किया और ख़ुद भी तफसीर और कलाम फ़िक़्हा अहकाम के बारे में एक मुफीद इल्मी ज़खीरा फरहाम किया। बहुत से ऐसे शागिर्द तैयार किए जो मुसलमानों की आइंदा इल्मी ज़िंदगी के लिए मेयार का काम अंजाम दे सके। 25 बरस तक बाद रसूल अली ने अपनी ज़िंदगी खाना नशीनी में बसर की और जब 35 हिजरी में मुसलमानों ने खिलाफत इस्लामी का मनसब आपके सामने पेश किया तो आपने पहले इनकार किया, लेकिन जब मुसलमानों का इसरार बढ़ गया तो आपने इस शर्त पर इसे मंजूर किया कि मैं बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करूंगा और किसी भी तरह से रियायत नहीं करूंगा। मगर ज़माना आपके खालिस मजहबी सल्तनत को बर्दाश्त ना कर सका। आपके ख़िलाफ़ बनु उमैया और बहुत से वो लोग खड़े हुए, आपने उन सब से मुकाबला करना अपना फ़र्ज़ समझा और जमल सिफीन और नहरवान की खून रेज लड़ाई हुई जिनमें हज़रत अली ने ऐसी शुजात और बहादुरी से जंग की जो बदर व अहद खंदक व खैबर में किसी वक्त देखी जा चुकी थी और ज़माने को भी याद थी। आप शहंशाह इस्लाम होने के बावजूद मेहनत मजदूरी करते, पैबंद लगे हुए कपड़े पहनते,
गरीबों के साथ ज़मीन पर बैठ के खाना खा लेते। जो रुपया बैतुलमाल में आता इसे तमाम मुस्तहिकीन पर बराबर से तकसीम करते थे, यहाँ तक कि आपके सगे भाई जनाब अकील ने यह चाहा कि कुछ इन्हें दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा मिल जाए, मगर आपने इनकार कर दिया और कहा अगर मेरा ज़ाती माल होता तो शायद ये हो सकता था, मगर ये तमाम मुसलमानों का माल है, जो मुझ पर हक नहीं कि मैं किसी अपने अजीज़ को दूसरों से ज़्यादा दूँ। मौला अली को 19 रमज़ान 40 हिजरी को सुबह के वक्त मस्जिद में ऐन हालत नमाज में एक जहर में बुझी हुई तलवार से ज़ख्मी किया गया। जब आपके कातिल इब्ने मुलज़िम को गिरफ्तार करके आपके सामने लाया, आपने देखा कि इसका चेहरा जर्द और आंखों में आंसू जारी हैं, तो आपको इस पर भी रहम आ गया और अपने दोनों फर्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन को हिदायत फरमाई कि ये तुम्हारा कैदी है, इसके साथ कोई सख्ती ना करना, जो कुछ खुद खाओ वो इसे भी खिलाना। अगर मैं अच्छा हो गया तो मुझे इख्तियार है, मैं चाहूँगा तो सज़ा दूँगा और चाहूँगा तो माफ़ कर दूँगा। अगर मैं दुनिया में ना रहा और तुम लोगों ने इंतकाम लेना चाहा तो इसे एक ही ज़र्ब लगाना, क्योंकि इसने मुझे एक ही ज़र्ब लगाई है, और हरगिज़ इसके हाथ पांव कता ना करना, क्योंकि ये इस्लामी रूह के ख़िलाफ़ है। दो रोज़ तक मौला अली बिस्तर पर इंतहाई कर्ब व तकलीफ़ के साथ रहे। आखिरकार जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमज़ान को नमाज सुबह के वक्त आपकी शहादत हुई। आपका रोज़ा मुबारक इराक के शहर नजफ़ अशरफ में वाक़ है। नाज़रीन, मुझे और शीरीन ज़हरा को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम मालूमात की मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।